में विषय हिंदी में आज हम एकम 7 का अभ्यास करेंगे। इस एकम का नाम है सोच अपनी अपनी। तो इस एकम में कोई भी एक विषय पर हमें चर्चा करनी है। कोई यहाँ इस एकम में एक दो चित्र अंकित किए गए हैं। एक चित्र गांव का है और दूसरा चित्र है शहर का है, नगर का है। तो छात्रों, तुम्हें इस एकम में गांव का चित्र पर और शहर का दोनों के बीच क्या अंतर है, गांव में क्या अंतर है और शहर में क्या अंतर है, दोनों के बीच क्या अंतर है, इसके लिए इसके विषय ऊपर तुम्हें वाद विवाद करना है, तर्क वितर्क अपने विचार को व्यक्त करना है। कहीं कहीं छात्र ऐसे कहेंगे कि मुझे तो गांव का जीवन अच्छा लगता है, मुझे तो गांव में रहना अच्छा लगता है। कई छात्र ऐसे कहेंगे कि मुझे तो शहर का जीवन अच्छा लगता है। तो क्यों अच्छा लगता है? अगर गांव का जीवन अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है, शहर का जीवन अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है? कोई गांव के पक्ष में होंगे तो कई गांव के विपक्ष में होंगे, कई छात्र शहर के पक्ष में होंगे तो कई छात्र शहर के विपक्ष में होंगे। तो इसी प्रकार कोई भी विषय पर तुम अपने अपने विचार व्यक्त करते हो, अपनी अपनी सोच बताते हो, इसे कहते हैं सोच अपनी अपनी। कोई भी विषय पर वाद विवाद करना है तो इस एकम में हमें दो चित्र दिखाई दे। सबसे पहले तुम अपनी किताब खुली रखोगे और ध्यान से इस दोनों चित्र को सब छात्र देखेंगे। पहला चित्र है गांव का चित्र है। गांव के चित्र में इस चित्र में तुम्हें कुछ दिखाई देता है और उसमें से तुम्हें चर्चा करनी है कि गांव का जीवन अच्छा है। शहर का चित्र देखकर तुम्हें शहर के जीवन के बारे में चर्चा करनी है कि शहर का जीवन अच्छा है तो क्यों अच्छा है। ऐसी तो सोच अपनी अपनी सोच सबको बतानी होगी। तो पहला चित्र है गांव का। तो गांव का चित्र में हम ध्यान से देखेंगे कि गांव के चित्र में हमें एक नदी दिखाई दे रही है। नदी के अंदर कई बच्चे नहा रहे हैं और कई स्त्री पानी के घड़े लेकर नदी में से पानी भर रही है। नदी के आसपास कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। नदी के आसपास हमें कई प्रकृति भी नजर आ रही है और नदी के तट पर एक कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। इस चित्र में एक ऐसी चीज हमें दिखाई दे रही है। इससे ऐसी चीज के ऊपर से हमें चर्चा करनी है। अगर गांव का जीवन अच्छा है तो क्यों अच्छा है? तो सबसे पहले तो गांव के अंदर हमें अच्छे खाने पीने को मिलेगा, शुद्ध खाने पीने को मिलेगा, उसकी शुद्ध वातावरण भी मिलेगा। हम प्रकृति के निकट भी रह सकते हैं। प्रकृति के निकट हम गांव के अंदर रह सकते हैं और शांतिमय जीवन हम पसार गांव के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि गांव में कुछ बड़े बड़े उद्योग है ही नहीं, कुछ तड़क भड़क और शोर गांव के अंदर है ही नहीं। सब अपना जीवन शांति से पसार करते हैं। दूसरा छात्र ऐसा कहता है कि मुझे गांव का जीवन बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं? कि जो गांव के अंदर से जो नदी बह रही है उसमें कई छात्र नहा रहे हैं और कई स्त्री उन्हीं पानी पीने के लिए वहां से नदी में से भरकर जा रहे, तो वह पानी दूषित हो गया है। ऐसा पानी हमें पीना नहीं चाहिए। नदी के तट पर एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, वो भी पानी को दूषित कर रहा है। मिट्टी धूल सब पानी में जाते हैं और पानी दूषित होता है और ऐसा पानी हमें पीना नहीं चाहिए। और गांव हमें जीवन के अंदर कोई भी प्रगति करनी हो तो गांव में रहकर हम किसी तरह की प्रगति नहीं कर सकते। हमें अच्छी तरह से पढ़ना लिखना है तो हम अच्छी तरह से गांव के अंदर पढ़ लिख भी नहीं सकते, क्योंकि बड़ी बड़ी पाठशालाएं गांव के अंदर है ही नहीं। कई छात्र ऐसे बोलेंगे। दूसरा चित्र है नगर का। तो नगर के चित्र में लंबी चौड़ी एक सड़क दिखाई दे रही है। सड़क के बीच से कहीं वाहन चल रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दे रही है
और कई उद्योगों भी हमें चित्र में नजर आ रहे हैं। तो इस तरह इसके ऊपर से हमें ऐसी चर्चा कर सकते हैं कि शहर के जीवन में कई छात्र सड़क शहर के विपक्ष में बोल रहे, तो वो ऐसे बोलते हैं कि सड़क में शोर सतत मचाई रहती है, सड़क पर से कई वाहन चल रहे हैं, उसके शोर से हम शांति से रह नहीं सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं और सड़क नगर का जो वातावरण है, शुद्ध हवा हमें मिल ही नहीं सकती, क्योंकि उद्योगों ही इतना सारा है शहर के अंदर कि उद्योगों से जो हवा है वो हवा भी दूषित होती है और नल का पानी पीना पड़ता है, अच्छा पानी भी हमें नहीं मिलता, अच्छा खाने पीने को नहीं मिलता, जो बाजार से मिलावट बाजार से जो खाने की चीज खरीद कर हम लाते हैं उसमें मिलावट की जाती है, अच्छा और शुद्ध खाना भी हमें नहीं मिलता शहर के अंदर। हमें शांति से जो रहना है तो हम शहर में रहे नहीं सकते। और दूसरा छात्र नगर के पक्ष में बोलता है, वह ये बताता है कि मुझे तो नगर का ही जीवन बहुत पसंद है, क्योंकि नगर में रहकर हम अच्छी तरह से अपना जीवन जी सकते हैं, हमें एजुकेशन हमें अच्छी पढ़ाई भी कर सकते हैं नगर में रहकर, और कचहरी में दफ्तर में जाकर हम जॉब भी कर सकते हैं। हमें जो जीवन के अंदर अच्छी तरह से प्रगति करनी हो तो हम नगर में रहे तो भी हम अच्छा जीवन जी सकेंगे और जीवन में कहीं ना कहीं प्रगति कर सकेंगे, अच्छे कपड़े पहने सकेंगे, गांव में तो सब साधारण कपड़े पहनते हैं और शहर में तो सब अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, तो शहर का जीवन ही अच्छा लगते हो। जीवन के अंदर जो हमें प्रगति करनी है तो हमें शहर का जीवन ही पसंद करना चाहिए। तो छात्रों तुम सबको पहला और दूसरा चित्र में से समझ में आ गया होगा कि दोनों चित्र में हमें क्या करना है, गांव का चित्र है और शहर का चित्र है, दोनों के पक्ष में बोलना है और विपक्ष में बोलना है और क्यों बोलना है ये तुम सबको बता दिया। अब दूसरा चित्र हम देखेंगे, ये चित्र है दूसरा चित्र जो बहुत दूर जन्म ले रहा है पृथ्वी जैसा ग्रह। एक पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है पृथ्वी, जो सूर्य में से अलग हुई है और उसकी रचना हुई है पृथ्वी की, तो पृथ्वी ही जैसा एक नया ग्रह ब्रह्मांड में जन्म ले रहा है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। नासा की दूरबीन से दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें, नासा की दूरबीन से जो दिखाई देती है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह बनने जा रहा है, 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह, पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर है जो नया ग्रह बन रहा है वह पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर है। शिकागो हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर, गर्द शिकागो हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर, गर्म गर्दों गुवार के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। कई वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग करने के बाद उसे मालूम पड़ रहा है कि पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह ब्रह्मांड में बनने जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक करोड़ से 1.6 एक करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष को उम्र वाले इस ग्रह का सौर मंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है। जो ग्रह बनने जा रहा है वह 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष का उम्र वाले है, अब वह किशोरावस्था की उम्र में जा रहा है। लेकिन जिन ओपिंग्स यूनिवर्सिटी की अप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया केरी शिशे, प्रयोगशाला के जो मुखिया है केरी शिशे, उसके मतानुसार यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। मुखिया जो प्रयोगशाला के मुखिया केरी शिशे है उसके मतानुसार वह ये प्रयोग करने के बाद उसे उसकी राय यह है कि जो पृथ्वी जैसा ग्रह ब्रह्मांड में बनने जा रहा है वो सही
हजार वर्ष के बाद ये ग्रह पूरे पूरा जन्म लेगा, क्या पूरे पूरा अपना आकार बनाएंगे। इस सौर मंडल के दो तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बन गई है। जो सौर मंडल में दो तारे हैं, उसमें से एक तारे में पृथ्वी जैसी जो धूल मिट्टी वहां दिखाई दे रही, धूल मिट्टी की परत बन रही, परत यानी कि उसकी रिंग, उसका पड, पृथ्वी में जो कई पड है धूल मिट्टी के, तो वहां जो सौर मंडल में जो दो तारे है उसमें से एक तारे में जो पृथ्वी ऊपर धूल मिट्टी का परत है, वही धूल मिट्टी का परत एक तारे में दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौर मंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा। इस ऐसा प्रयोग करने के बाद जो मिट्टी के पर्त दिखाई दे रहा है, इससे ये मालूम पड़ रहा है कि पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह सौर मंडल में बनने जा रहा है। शिष्य कहते हैं कि सूर्य जैसे तारों के चारों ओर धूल को ऐसी पट्टियों को जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है। शिष्य के मुताबिक यह कहना है कि सूर्य के तारों में से जो एक तारे में जो धूल की जो परत बनती है वो बड़ी दुर्घटना है और इसके बाहर की ओर बर्फीला बेल्ट से वह संभावना बनती है। जो परत बनी है उसका बाहर का जो बेल्ट, जो पट्टा बना है वो बर्फीला पट्टा है, उसमें बर्फ जमा है। तो ये बर्फीला बेल्ट से किसे ये मालूम कर रहा है कि कई पृथ्वी की तरह वहां उस वह ग्रह में भी पानी मिलेगा, पानी की संभावना है। और इसके बाहर की ओर बर्फीला बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। जो पर्त के धूल मिट्टी का जो पर्त बना बन रहा है वो पर्त के पर्त जो बॉर्डर है, बेल्ट है, वह बेल्ट बर्फीला है। इस बर्फीला बेल्ट से ये मालूम होता है कि भविष्य में इस ग्रह पर पानी भी मौजूद होगा। धूल मिट्टी तो मौजूद है पर भविष्य में इसे पानी भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही है धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी की क्रस्ट व कोर का निर्माण हुआ। जिस तरह हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था उसी ही तरह उस ग्रह का भी निर्माण हो रहा है। जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था मिट्टी और पत्थर से जो पर्त बना था उसी तरह ठीक वह ग्रह पर धूल मिट्टी का पर्त बन रहा है। इससे हम आशा रखते हैं कि पृथ्वी जैसा ग्रह ब्रह्मांड में मौजूद होगा। किसी के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहां धरती जैसा जीवन भी बनवे। शिष्य के अनुसार ये भी आशा रखते हैं कि भविष्य में एक दिन वहां पृथ्वी की तरह वहां भी हम निर्माण कर सकेंगे, पृथ्वी जैसा ही ग्रह का निर्माण कर सकेंगे और सभी लोगों को रहने के लिए वहां एक पृथ्वी जैसा ग्रह बनेगा। इनकार भी नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहां धरती जैसा जीवन भी बनवे। जिस तरह धरती पे सभी लोग जी रहे हैं उसी तरह जो वह पूरे पूरा धरती जैसा ग्रह बन जाएगा तो वहां भी जीवन पनपेगा। उन्होंने कहा है कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह कहना है कि धरती जैसा दोबारा जन्म भी हमें वहां मिलेगा। धरती जिस तरह धरती बनी है, धरती ऊपर जैसे जीवन जी रहे हैं, इस तरह दोबारा भी हमें देखने को मिलेगा। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी। नासा के जो स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप है उसने ये तस्वीरें उतारी है। उनके मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचने में 424 वर्ष लग गए। जो नासा से धरती तरफ जो तस्वीरें उतारी है उस ब्रह्मांड की उसमें 424 वर्ष लग गए हैं। धरती
लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पल के जब अपने जैसा है, लेकिन ये नए ग्रह की जो तस्वीर उतारने में जो पल के जब अपने का जो समय लगता है वो इतना ही समय उसे लगा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कहना चाहते हैं कि इस ग्रह को पूरे पूरा निर्माण होने में अभी 10 करोड़ साल लग जाएंगे। छात्रों, अब हम इसका उपसर्ग देखेंगे। सबसे पहले तो मैं तुम्हें उपसर्ग के बारे में समझाऊंगी कि उपसर्ग किसे कहा जाता है। कोई भी शब्द है, शब्द के पूर्व कोई भी शब्द है, शब्द के पूर्व जो जुड़े जाए अक्षर से उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसके उसको उपसर्ग कहते हैं। उप का मतलब होता है आगे का। कोई भी शब्द के आगे नया अक्षर जोड़कर जो शब्द में परिवर्तन ला देता है, शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। ये शब्द है देश, देश है अपना देश, हमारा देश, ऐसा इसका अर्थ होता है। देश के आगे वी अक्षर वर्ण जोड़ा है, वी अक्षर जोड़ा है, तो देश के आगे वी जुड़ने से देश के आगे वी जोड़ने से वी देश ऐसा शब्द बनता है। तो देश तो हमारा देश है, वी देश तो पराया देश, ऐसा अर्थ में परिवर्तन ला देते। उपसर्ग का मतलब यह होता है कि कोई भी शब्द में आगे अक्षर जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। ऐसे उपसर्ग परीक्षा में तुमको 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। उपसर्ग कहते आगे अक्षर को जोड़ने से अर्थ में परिवर्तन लाना, उसे उपसर्ग कहते हैं। देश के आगे हमने क्या जोड़ा, वी, तो देश तो हमारा देश हो गया, विदेश तो पराया देश, पक्का, जो पक्का है उसकी बात की जाती है। लेकिन पक्का के आगे हमने अध जोड़ा, अध पक्का, अध कच्चा है और अध पक्का है, अध पक्का, कच्चा पक्का जिसे कहते हैं। पक्का शब्द के आगे हमने क्या जोड़ा, अध, तो पक्का तो पूरे पूरा पक्का हुआ है, उसे पक्का कहता है। लेकिन आगे हमने अध अक्षर को जोड़ा, 2 अक्षर जोड़ा अध, तो उनमें से उसका शब्द का परिवर्तन बदल गया, अध पक्का, कच्चा पक्का, ऐसा अर्थ होता है। गम, गम का मतलब होता है दुख, तो गम के आगे हमने क्या जोड़ा, दू, दू गर्म के गम को दूर करने वाला। योग, प्रयोग, जीव, जिसके अंदर जीव है उसकी बात की जाती है, तो जीव के आगे हमने एक अक्षर जोड़ा, वो है नी, तो निर्जीव, जिसके अंदर जीव ही नहीं है, निर्जीव है उसकी बात की जाती है। तो तुमको समझ में आ गया कि उपसर्ग कैसे किसको कहते हैं, और ऐसे शब्द के आगे कोई भी शब्द जोड़कर उसका जो अर्थ में परिवर्तन बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। फिर से हम देख लेते हैं, देश, देश के आगे हमने वी शब्द को जोड़, वी अक्षर को जोड़ा, तो देश में से विदेश, पक्का, अधपका, गम, दुर्गम, योग, प्रयोग, जीव, निर्जीव, बल, जिसके अंदर बल है, शक्ति है, उसकी बात की जाती है। लेकिन बल के आगे एक अक्षर हमने जोड़ा, नी शब्द को जोड़ा और नया शब्द बना, तो नया शब्द क्या बना, निर्बल, जिसके कमजोर है, निर्बल उसे कहा जाता है। बल तो जिस शक्तिशाली है उसे बल किया जाता है, लेकिन बल के आगे हमने नी अक्षर को जोड़ा, तो निर्बल, जिसके कमजोर, जे व्यक्ति कमजोर है उसकी बात की जाती है, निर्बल। समझ, जिसके अंदर समझदारी है वो समझ, समझ के आगे हमने क्या जोड़ा, गैर समझ, जिसके अंदर समझदारी ही है ही नहीं, कोई बात समझता ही नहीं, वो गैर समझ। सुविधा, उसके आगे हमने अ जोड़ा, असुविधा। वांछित, उसके आगे हमने अ जोड़ा, अवांछित,
तुम सबको उपसर्ग कैसे बनाए जाते हैं ये सब समझ में आ गया होगा। ये जो उपसर्ग है वो परीक्षा में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक इसी की तरह हम प्रत्यय देखेंगे। प्रत्यय का मतलब है कि कोई भी शब्द के अंत में नया अक्षर जोड़कर जो वो उसका अर्थ बनता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग उपसर्ग में हमें आगे अक्षर को जोड़ना है और प्रत्यय में हमें अंत में अक्षर को जोड़ना है। अंत में अक्षर को जोड़कर जो नया शब्द का निर्माण होता है नया शब्द जो बनता है उसे प्रत्यय किया जाता है। ये प्रत्यय भी परीक्षा में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। विदेश तो इसका विदेश तो विदेशी विदेश प्लस ई ये नया शब्द कैसे बनेगा विदेश प्लस ई तो विदेशी विदेश तो है ही ये शब्द विदेश है इसमें हमने ई प्रत्यय को जोड़ा है अंत में ई प्रत्यय जोड़ा है अंत में ई प्रत्यय जोड़ने से विदेश में से विदेशी प्रत्यय नवा जो शब्द बना है वो उसे प्रत्यय कहते हैं। चंचल चंचलता अंत में क्या ता शब्द को हमने जोड़ा है प्रकृति प्राकृतिक यंत्र यांत्रिक पुत्र पुत्री मानव मानवता लापरवाह लापरवाही ई प्रत्यय जोड़कर जो नया शब्द का निर्माण हुआ है लापरवाही हस तो हसी। तो छात्रों तुमको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उपसर्ग में हम कोई भी शब्द के आगे नया अक्षर जोड़कर जो अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे उपसर्ग कहा जाता है। प्रत्यय कोई भी शब्द के अंत में नया अक्षर जोड़कर नए शब्द का निर्माण होता है नए शब्द जो बनता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो ठीक से तुम सबने उपसर्ग और प्रत्यय को देख लिया होगा। तो मैं यह आशा रखती हूँ कि आज का जो एकम हमने पढ़ा सोच अपनी अपनी तुम सबको अच्छी तरह से वो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एकम लेकर अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।